के बुखार से एम्स अस्पताल का हाल बेहाल हो चुका है। आपको बता दें कि अंदरूनी पॉलिटिक्स के चलते कैसे इस अस्पताल की सारी व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं, रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं आपको। ये है पूर्वांचल की शान, एम्स अस्पताल विवादों के बुखार से है बेहाल। उद्घाटन के 33 महीने बाद भी सुपर स्पेशलिटी सेवाएं यहां शुरू नहीं हो पाई है। एम्स गोरखपुर का शिलान्यास 22 जुलाई 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों हुआ था। ढाई वर्ष के बाद भी 24 फरवरी 2019 को यहां ओपीडी सेवाएं शुरू हुई। 7 दिसंबर 2021 को पीएम मोदी ने 1400 करोड़ रुपए की लागत से बने इस अस्पताल का लोकार्पण किया, पर 33 महीने बीतने के बाद भी गोरखपुर की सेवाएं पुख्ता नहीं हो पाई। विवादों में घिरा एम्स अस्पताल, स्वास्थ्य सेवाओं का हाल बेहाल, आपसी झगड़ों की भरमार झेल रहा है आम इंसान। विवादों में घिरे एम्स गोरखपुर की बात करें तो यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का हाल बेहाल है। यहाँ की वर्ल्ड क्लास व्यवस्थाओं ने हृदय रोगियों की धड़कनें बढ़ा दी। यहाँ कार्डियोलॉजी विभाग में महज एक डॉक्टर के भरोसे दिल की मामूली बीमारियों का इलाज हो रहा है। अगर किसी गंभीर मरीज की एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी की जरूरत पड़ गई तो भगवान ही मालिक है। नतीजा ये है, दिल के गंभीर मरीजों को दूसरे अस्पतालों का रास्ता देखना पड़ रहा है। वहीं कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की बात की जाए तो यहाँ कैंसर गरीबों के रेडियोथेरेपी के लिए 2 साल पहले शुरू की गई थी। पिछले साल अगस्त में 18 करोड़ रुपए खर्च करके लंदन से अत्याधुनिक और महंगी मशीनें खरीदी गई। इन मशीनों को एम्स के ओपीडी ब्लॉक की बगल में रेडियोथेरेपी बंकर बनाकर रख दिया। ये मशीनें साल भर वहीं पड़ी रही। अगस्त में स्थापना के लिए जब उनकी जांच हुई तो पता चला कि इनके कई तार चूहों ने कुतर डाले हैं। ये तो हाल है। अब ये मशीनें कैंसर मरीजों के इलाज के लिए कब उपलब्ध होंगी, इसका जवाब फिलहाल प्रशासन के पास नहीं है। डॉक्टरों के कुल 183 पद, केवल 123 पद ही भरे गए, 60 पद अभी भी खाली। चयन प्रक्रियाएं पद भरने में नाकामयाब, कई विभागों में एक भी डॉक्टर नहीं। कुछ विभाग में केवल एक ही चिकित्सक, मरीजों को दूसरे अस्पतालों की लेनी पड़ रही शरण। जिन उद्देश्यों के लिए इस एम्स की स्थापना की गई थी वे सभी अभी तक पूरी नहीं हो पाई। इसकी सबसे बड़ी वजह डॉक्टरों के आपसी झगड़े और गड़बड़ियां हैं। इन्हीं झगड़ों के चलते 269 दिनों में गोरखपुर एम्स के 2 कार्यकारी निदेशकों की समय से पहले विदाई हो गई। इस प्रतिष्ठित चिकित्सा केंद्र में 9 महीनों के भीतर 2 निदेशक हटाए जा चुके हैं। जो निदेशक हटाए गए हैं उनके नाम है प्रोफेसर सुरेखा किशोर, बेटो को एम्स गोरखपुर में नियुक्त करने के आरोप के बाद कार्यकारी निदेशक पद से हटाई गई। प्रोफेसर जी के पॉल, बेटे को गलत प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्त करने के आरोप में हटाए गए। प्रोफेसर कुमार सतीश रवि, नियुक्ति के लिए फर्जी डिग्री और अनुभव प्रमाण पत्र लगाने का आरोप लगा। मतलब साफ है कि यहाँ के डॉक्टर और अधिकारी बस अपने बीवी बच्चों को सेट करने के लिए सारे दावे खेल रहे हैं, जिससे परिसर में गुटबाजी और विवाद बढ़ रहे हैं। इस तरह से एम्स गोरखपुर डॉक्टरों की आपसी उठापटक का मैदान बनकर रह गया है, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। वहीं इस एम्स के विवादों को सुलझाने के लिए प्रोफेसर अजय सिंह को कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अब उनके आने से क्या बदलाव आता है, ये देखने वाली बात होगी। स्पेशल डेस्क भारत समाचार। चलिए खबरों पर आगे बढ़ेंगे।